हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो सुपर नीट क्लासेस ऑनलाइन। आई एम सुनील कुमार। द टॉपिक फॉर टुडे इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। आज हम किंगडम फंगाई को देखेंगे। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ इस लेक्चर में। देखिए, जैसा कि आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, साथ में मेरा कर्सर भी चल रहा है, किंगडम फंगाई। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं किंगडम फंगाई में। स्टडी ऑफ फंगाई इज नोन एज माइकोलॉजी एंड माइसिटोलॉजी। देखिए, किंगडम फंगाई की जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम माइकोलॉजी और माइसिटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फाउंडर ऑफ माइकोलॉजी, जो फाउंडर है माइकोलॉजी के, वो कौन है, पी ए माइकेली। उसके बाद फादर ऑफ माइकोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी हम किसको कहते हैं, पी ए माइकेले को। ये मैंने पॉइंट हाईलाइट किए हुए हैं। फादर ऑफ सिस्टमैटिक माइकोलॉजी, ई एम फ्रिस। सिस्टमैटिक माइकोलॉजी का मींस होता है फंगाई में क्लासिफिकेशन के बारे में बताना, इसको बोलते हैं हम सिस्टमैटिक माइकोलॉजी। ठीक है, और इसके फादर कौन है, ई एम फ्रिस। लीनियस ऑफ माइकोलॉजी कौन है, लीनियस ऑफ माइकोलॉजी भी ई एम फ्रिस को कहा जाता है। लीनियस ने टैक्सोनॉमी में रोल प्ले किया था स्टूडेंट्स। ओके, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी हम डी बेरी को कहते हैं। उसके बाद फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी हम किसको कहते हैं, डी बेरी को। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी किसको कहेंगे, ईजे बटलर को। अब स्टूडेंट्स, कुछ हम फेमस इंडियन माइकोलॉजिस्ट कुछ बुक हैं उसको हम एक बार चर्चा में कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है केसी मेहता। केसी मेहता ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ये इंडियन फेमस माइकोलॉजिस्ट हैं केसी मेहता। इन्होंने रस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया, ठीक है, डिसीज़, ठीक है, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है, इट इज़ ए डिसीज़ विच कॉज्ड बाय ए फंजाई पक्सिनिया इन व्हीट क्रॉप। देखिए, ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर एक रस्ट प्रॉब्लम थी, ठीक है, आपकी एक ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट नाम की एक बीमारी है, ठीक है, ये गेहूं की फसल में होती है और ये किस फंजाई से होती है, पक्सिनिया से। तो इन्होंने इस समस्या का इन्होंने समाधान कर दिया, ठीक है, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट नाम की बीमारी का इन्होंने समाधान किया इंडिया में, केसी मेहता जी ने। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अगले साइंटिस्ट का नाम है बीबी मुंडकर। बीबी मुंडकर, स्मट प्रॉब्लम इन इंडिया डिसीज, स्मट इट इज़ ए डिसीज विच कॉज बाय यूस्टी लेगो फंजाई इन व्हीट क्रॉप। देखिए, बीबी मुंडकर भी एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, ये भी इंडिया के एक फेमस माइकोलॉजिस्ट में से एक हैं। और जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी ब्लैक रस्ट ऑफ डिसीज, इसी के समान एक बीमारी होती है स्मट, स्मट नाम की भी बीमारी होती है। ये बीमारी गेहूँ की फसल में होती है और यूस्टी लेगो फंजाई के कारण होती है। पॉइंट मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और इस स्मट नाम की बीमारी का समाधान भी बीबी मुंडकर ने किया था। ओके, अब देखिए सीवी सुब्रमण्यम, ये भी एक साइंटिस्ट हैं, इंडिया के फेमस माइकोलॉजिस्ट में से एक आते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है टैक्सोनॉमी इन फंगाई। टैक्सोनॉमी की कुछ स्पेलिंग गलत हो गई है, कुछ टाइपिंग एरर आ गया है, तो ये टैक्सोनॉमी ऑफ फंगाई, ही डिस्कवर्ड न्यू वेराइटी इन वीट। तो सी वी सुब्रमण्यम ने क्या किया था, इंडिया के अंदर गेहूं की कुछ नई नई फसलों की इन्होंने खोज करी थी स्टूडेंट्स। ओके, चलिए कुछ थोड़ा सा हम अब आगे देख लेते हैं, जैसे कि फेमस बुक ऑफ माइकोलॉजी। अब हम कुछ फेमस बुक हैं माइकोलॉजी की, उसके बारे में हम कुछ स्टूडेंट्स चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, सामने लिखा हुआ है एक बुक का नाम है नोवा जेनरा प्लांटेरम। ये एक बुक का नाम है नोवा जेनरा प्लांटेरम, और ये बुक लिखी थी साइंटिस्ट पी ए माइकेली ने, ये बुक लिखी थी। एग्ज़ाम का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है नोवा जेनरा प्लांटेरम, किस साइंटिस्ट ने बुक लिखी थी, पी ए माइकेली ने। सेकंड है सिस्टमा माइकोलॉजिकम, सिस्टमा माइकोलॉजिकम ये भी एक बुक का नाम है, ये एक साइंटिस्ट हैं ई एम फ्रिस नाम के साइंटिस्ट ने इस बुक को लिखा था। ओके, अब देखिए स्लोज फंजरम,
अब स्लोज फंजरम नाम की एक बुक है, ये किसने लिखी थी, एक साइंटिस्ट ने, पी ए सकाडो नाम के साइंटिस्ट ने, ये पी ए सकाडो नाम के साइंटिस्ट ने स्लोज फंजरम बुक लिखी थी। और इस बुक के अंदर 64,000 से ज़्यादा फंजाई की फंजाई का जिक्र किया गया, यानी कि 64,000 से ज़्यादा स्पीसीज का इस बुक में जिक्र किया गया है फंजाई का। ओके, चलिए इसी के साथ हम थोड़ा सा कुछ और आगे हम देख लेते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है, डेफिनेशन ऑफ फंजाई। अब देखिए डेफिनेशन ऑफ फंजाई क्या कहती है, थोड़ा सा इस चीज़ को भी हम समझ लेते हैं। ओके, देखिए क्या कहती है, द टर्म फंजाई डील्स विद द ऑर्गेनिज्म विच यूकेरेटिक स्पोर बियरिंग ए क्लोरोफाइलस एंड यूजली रिप्रोड्यूस बाई ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मीन्स, यूजली फ्लामेंटस ब्रांच थैलॉइड स्ट्रक्चर सराउंडेड बाई काइटिनस वॉल, नो स्पेशलाइज वेसल्स फॉर कंडक्शन। अब देखिए ये क्या कह रहा है, इस बात को थोड़ा सा आप मेरी समझने की कोशिश करना। देखिए फंजाई वे जीव होते हैं जो यूकेरेटिक होते हैं, ठीक है। फंजाई स्पोर बनाती है, हो सकता है स्पोर एसेक्सुअल हो सकता है स्पोर सेक्सुअल भी हो। इसमें क्लोरोफिल नहीं मिलेगा, लिखा है ना ए क्लोरोफाइलस का मीन्स होता है स्टूडेंट, यानी कि क्लोरोफिल का ना पाया जाना, ठीक है। फंजाई हेटरोट्रॉफ होती है, आप जानते हैं फंजाई में एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको देखने के लिए मिलता है। फंजाई में देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी हम फंजाई में वेजिटेटिव वर्ड का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये प्लांट नहीं होते हैं, ये फंजाई का एक सेपरेट किंगडम है, इसलिए हम कभी भी वेजिटेटिव वर्ड यूज नहीं करते हैं फंजाई के लिए, क्योंकि फंजाई प्लांट नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। सामान्यतः फंजाई फ्लामेंटस होती है, ठीक है, फ्लामेंटस मीन्स थ्रेड के समान स्ट्रक्चर से बनी होती है। ये फ्लामेंटस ब्रांचिंग भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, और फंजाई के फ्लामेंटस आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, और टेढ़ी मेढ़ी कुछ ब्रांच टाइप में बनाते हैं, और इसे और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम थैलॉइड कहते हैं, ठीक है। देखिए थैलॉइड का मीन्स होता है जिस चीज़ की बॉडी को हम रूट लीफ स्टेम में हम डिफ्रेंशिएट ना कर सकें। डिफ्रेंशिएट का मीन्स होता है किसी भी चीज़ को जब हम पहचान नहीं पाएँ, हम रूट लीफ और प्लांट उसमें रूट लीफ स्टेम हमें अलग अलग ना दिखाई दें, तो उसको हम थैलॉइड कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ओके, ठीक है, फंजाई प्लांट नहीं होते, तब भी हम इसकी बॉडी के लिए प्लांट वर्ड यूज करते हैं, और फंजाई के थैलॉइड के लिए हम माइसीलियम वर्ड यूज करते हैं, इनको प्लांटी में क्यों रखा गया था, क्योंकि प्लांटी के पास होती है सेल वॉल और फंगाई के भी पास होती है सेल वॉल। फर्क इतना आता है कि जो प्लांट की सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है, और फंगाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है। ओके स्टूडेंट, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा जितना मैंने अभी समझाया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, कुछ जनरल कैरेक्टर्स को हम देख लेते हैं। पहला कैरेक्टर से फंगाई का जनरल कैरेक्टर यूकेरेटिक थैलॉइड होता है। थैलॉइड का मीन्स मैंने बताया है, रूट लीफ स्टेम में हम डिफ्रेंशिएट ना कर सकें, हम पहचान ना पाए हम रूट लीफ स्टेम को, उसको हम बोलते हैं थैलॉइड, ठीक है। और ये थैलॉइड कुछ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है और वो आपस में गुथा हुआ होता है, जिसको हम माइसीलियम कहते हैं, ठीक है, और उसको हम हाइफी भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए हेटरोट्रॉफिक मीन्स मैंने आपको बताया था जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब नॉन फोटोसिंथेटिक भी होता है, ये पैरासाइट भी होती है, ये सेप्रोफाइट भी होती है, और सिम्बायोंट भी होती है, यानी कि सहजीवता को ये दर्शाती है। सहजीवता का मीन्स होता है ये एक दूसरे के साथ संबंध बनाकर रहना,
ठीक है, उसको हम सहजीवता कहते हैं। और दोनों को, दो ऑर्गेनिज्म जब एक दूसरे के साथ संबंध बनाकर रहते हैं तो दोनों को फायदा होता है, उसको हम सिम्बायोंट कहते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन को ये शो करता है और इसकी वॉल काइटिनियस की बनी होती है। फूड रिजर्व होता है, इसके अंदर जो रिजर्व फूड होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और इसकी जो करेक्टरिस्टिकली होती है वो स्पोर फॉर्मेशन की होती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं, हैबिटेट ऑफ फंगाई। हैबिटेट ऑफ फंगाई में देखिए, फंगाई आर यूबिकाइटस, यानी कि फंगाई आर यूबिकाइटस का मीन्स होता है फंगाई हमको हर जगह देखने के लिए मिलती है। यूबिकाइटस का मीन्स होता है हर जगह फंगाई का पाया जाना। ओके फाउंड, फंगाई फाउंड एवरीवेयर, फंगाई हर जगह हमें मिलती है। ओके गॉट इट माय स्टूडेंट्स। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कोर्फोफ्लस फंजाई। कोर्फोफ्लस फंजाई वे फंजाई होती हैं जो ग्रो ऑन डंग, जो मल गोबर के ऊपर ग्रो करती हैं, उनको हम कोर्फोफ्लस फंजाई कहते हैं। थर्ड लिखा हुआ है एंडोबायोटिक फंगाई इन द और इन द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। जो एंडोबायोटिक फंजाई होती हैं ये वो फंजाई होती हैं जो सेल की होस्ट के अंदर रहती हैं, ठीक है, उनको हम एंडोबायोटिक फंजाई कहते हैं। उसके बाद आता है एपिबायोटिक फंगाई। एपिबायोटिक फंगाई वे फंगाई होती हैं जो रिप्रोडक्टिव पार्ट आर ऑन द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम एंड रिमेनिंग पार्ट बिलो सरफेस। ओके एग्जाम्पल इसका सिंसाइजम। उसके बाद आता है एपिफाइलस फंगाई। अब एपिफाइलस फंगाई क्या होती है, ऑन वुड ग्रो, वे फंगाई जो जली हुई लकड़ी के ऊपर ग्रो करती हैं, वे फंगाई जो जली हुई लकड़ी के ऊपर ग्रो करती हैं उनको हम एपिफाइलस फंगाई कहते हैं। ओके अब आता है कॉर्टिकोलस फंगाई। कॉर्टिकोलस फंगाई ऑन ट्री बार्क, ये डबल डबल लिख गया है, ग्रो ऑन ट्री बार्क, जो पेड़ की छालों पर ग्रो करती हैं उनको हम कॉर्टिकोलस फंगाई कहते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपसे हम डिस्कस कर लेते हैं। इसी में देखिए, इसके अलावा मैं आपको और बता देता हूँ, एक दो फंगाई और बता देता हूँ। कॉर्टिकोलस फंगाई के अलावा मैं आपको एक आध नाम और बता देता हूँ। एक होता है केरेटिनोफिलिक फंगाई, KERA। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए, मैं KERATONIC केरेटिनोफिलिक फंगाई। देखिए केरेटिनोफिलिक फंगाई वो फंगाई होती हैं जो आपके नेल्स के ऊपर ग्रो करती हैं, जो नेल्स होते हैं आपके उनके ऊपर ग्रो करती हैं, उनको हम केरेटिनोफिलिक फंगाई कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए थोड़ा सा मैं इसको भी मैं यहाँ से हल्का सा रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। केरेटिनोफिलिक ग्रो ऑन नेल्स एंड हेयर, अभी मैं इसको एक मिनट स्टूडेंट्स में सही करता हूँ, रुक जाइए प्लीज़ मेरे साथ, एक मिनट बने रहिए, हल्का सा आप थोड़ा सा हल्का सा बने रहेंगे, एक मिनट मैं इसको हल्का सा मैं सही कर रहा हूँ, ये एक मिनट थोड़ा सा मैं यहाँ सही करता हूँ, रुकिए एक मिनट। ये लिखा हुआ है ग्रो, देखिए आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, ग्रो ऑन नेल्स एंड हेयर, ठीक है। जो फंगाई नेल्स और हेयर पर ग्रो करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, केरेटिनोफिलिक फंगाई कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद होती है आपकी जीरोफिलिक फंगाई, स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ, ZERO PHILIC, जीरोफिलिक फंगाई, ये ड्राई कंडीशन में ग्रो करती हैं जीरोफिलिक फंगाई। एक होती है थर्मोफिलिक फंगाई, स्पेलिंग बोल देता हूँ THERMOPHILIC, थर्मोफिलिक फंगाई, वे फंगाई होती हैं जो हाई टेम्परेचर पर ग्रो करती हैं उनको हम थर्मोफिलिक फंगाई कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है थैलस ऑफ फंगाई। अब हम फंगाई के थैलस के बारे में हम आपसे बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए क्या लिखा हुआ है, साफ साफ आपको लिखा दिखाई दे रहा है। एक मिनट स्टूडेंट्स, हाँ जी स्टूडेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं थैलस ऑफ फंगाई के बारे में, ठीक है। देखा हुआ है इन मोस्ट ऑफ द फंगाई द थैलस कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ द फाइन ट्यूबुलर ब्रांचिंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। ये क्या कहता है स्टूडेंट्स, देखिए अधिकांश फंजाई की बॉडी, ठीक है, अधिकांश जो फंजाई की बॉडी वो बारीक धागे के समान बनी होती है, ट्यूब स्ट्रक्चर के समान होती है, जिसमें ब्रांचिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं हाइफी। और फंजाई के यूनिट को बनाने वाली जो फंजाई की यूनिट को बनाती हैं उनको हम हाइफी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइफी कंसिस्टिंग द बॉडी ऑफ ए फंगल कॉल्ड माइसीलियम। देखिए अब ये क्या कह रहा है पॉइंट आपसे, इसका मीन्स हाइफी का पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है, एक नेटवर्क होगा और वो नेटवर्क फंगाई की बॉडी को बनाएगा और फंगाई की बॉडी को हम बोलते हैं माइसीलियम। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए फंगल फॉर्म मे बी नॉन माइसीलियल और माइसीलियल, ठीक है स्टूडेंट्स। नॉन माइसीलियल फॉर्म आर यूनिसेल, एग्जाम्पल यीस्ट। अब ये क्या कह रहा है देखिए, अब जैसे कि यीस्ट है ये यूनिसेल्ड है, ठीक है, कई बार ऐसी फंगाई जो यूनिसेल्ड है और उनको हम नॉन माइसीलियल फंगाई कह सकते हैं। नेटवर्क बनाने के लिए हमें कई सारे सेल चाहिए, फंगाई माइसीलियम भी हो और फंगाई माइसीलियम भी हो सकती है और नॉन माइसीलियल भी हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये एक डायग्राम आया है। अब मैं आपको इसमें मैं थोड़ा समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, जो मैंने आपको फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था। जैसे कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, आपस में गुथ जाते हैं। अब आप देख पा रहे हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये आपस में जो है ये गुथ गए और गुथने के बाद इन्होंने एक माइसीलियम बना लिया। गुथने के बाद ये आपस में स्ट्रक्चर गुथ जाएंगे और इसको हम बोलते हैं माइसीलियम और इसी को हम बोलते हैं फिर हाइफी। और देखिए इसकी जो ऊपर की जो आपको ये टोपी सी दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स फ्रूटिंग बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए इसमें दो चीज़ें और आ गई। देखिए एक ये सेप्टेट लिखा हुआ है और एसेप्टेट लिखा हुआ है, ये दोनों ही फंजाई की आपको हाइफी दिखाई दे रही हैं, इनको हम फंजाई की हाइफी बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए अब ये आपको जो है ये सेप्टेट है। सेप्टेट आप कैसे देख पा रहे हैं, देखिए इसमें एक खंड, दो खंड, तीन खंड, चार खंड, पाँच खंड, छः खंड, ऐसे ही आपको ये खंड दिखाई दे रहे हैं, और इन खंडों के बीच में न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है अलग अलग। तो जो खंड दिखाई दे रहे हैं अलग अलग इनको हम सेप्टा बोलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेप्टेड, क्या बोलेंगे हम इसको, सेप्टेड हाइफी, ठीक है। और देखिए ये है नॉन सेप्ट, इसमें कोई सेप्टा ही नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए बिल्कुल प्लेन दिखाई दे रही है आपको, मेरा कर्सर चल रहा है, बिल्कुल प्लेन दिखाई दे रही है, इसमें कोई भी सेप्टा नहीं है किसी भी प्रकार का। और इसमें न्यूक्लियस आपस में, कई सारे न्यूक्लियस इसमें आपस में एक संग मिले हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, और इसका टेक्निकल वर्ड है सिनोसिटिक, ठीक है स्टूडेंट्स। सिनोसिटिक का मीन्स होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं आपसे हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है ये आपका स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ये आपका, समटाइम द यूनिसेलुलर नॉन माइसीलियल फंगाई ड्यू टू बडिंग फ्रॉम सीडोमाइसीलियल
एग्जाम्पल है इसका यीस्ट। अब ये क्या कह रहा है देखिए, यूनिसेल फंजाई नॉन माइसिलियल फंजाई होती है, कभी कभी यीस्ट में ये रैपिडली बडिंग करती है और बडिंग होने के कारण हमें एक धागे के समान स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसे हम बोलते हैं सीडो माइसिलियम। ठीक है स्टूडेंट्स, इन अब ये कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, इन माइसिलियम फॉर्म द फंगल बॉडी इज मेड अप ऑफ हाइफी। ठीक है, माइसिलियम में हमें देख और हमें बेटा ये क्या कह रहा है, इन माइसिलियम फॉर्म द फंगल बॉडी, और जो फंगस की जो बॉडी होती है वो माइसिलियम से बनी होती है और माइसिलियम को ही हम क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, द माइसिलियम मे बी सेप्टेटेड और नॉन सेप्टेटेड। अभी ऊपर बताया है आपको माइसिलियम सेप्टेट भी हो सकता है और नॉन सेप्टेट भी हो सकता है। नॉन सेप्टेड माइसिलियम में आपको बताया था कंडीशन सीनोसिटिक बताया था, क्या होती है जो मल्टी न्यूक्लेटेड कंडीशन होती है उसको हम सीनोसिटिक कहते हैं, इसका एग्जाम्पल है म्यूकर और राइजोपस। और जो सेप्टेड माइसिलियम होता हैव क्रॉस वॉल इन हाइफी, जो आपका सेप्टेटेड माइसिलियम होता है उसमें हमको क्या देखने मिलती है, उसमें हमको देखने मिलेगा क्रॉस वॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, सेप्टेटेड मे बी सिंपल और डोलीपोर। जो सेप्टेटेड माइसिलियम होता है उस वो सिंपल भी हो सकता है और डोलीपोर भी हो सकता है। डोलीपोर हैव ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन सेप्टा, डोलीपोर सेप्टा करेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास बेसिडोमाइसिटीज। जो डोलीपोर सेप्टा बनता है ठीक है, वो किसकी करेक्टरिस्टिक होती है, वो बेसिडोमाइसिटीज की होती है, एक्सेप्ट रस्ट एंड स्मट, केवल आप रस्ट और स्मट फंजाई को छोड़ दो। ठीक है, डोलीपोर सेप्टा फर्स्ट टाइम स्टडीड बाई साइंटिस्ट मूरे एंड माइकेली। जो पहली बार आपके डोलीपोर सेप्टा की जो स्टडी करी थी वो साइंटिस्ट मूरे और एम सी एलेरा ने की थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ डोलीपोर सेप्टा क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। देखिए, अब आप देखिए फंजाई की आपको हाइफी दिखाई दे रही है, एक हाइफी ये रही फंजाई की, दूसरी हाइफी ये रही फंजाई की। अब फंजाई की दो हाइफी को जोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है, बीच में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मेरा कर्सर चल रहा है आप देख सकते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं डोलीपोर सेप्टा। ठीक है, और ये फंजाई की ये हाइफी को आपस में कनेक्ट करता है स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी जाइएगा नहीं, मैं अभी कंटिन्यू करूंगा लेक्चर, थोड़ा सा मैं रोक रहा हूँ एक मिनट के लिए। हमने लेक्चर को छोड़ा सा, वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से मैंने लेक्चर को रोक दिया था। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं वहीं से जहाँ से हमने छोड़ा था। ठीक है, ये मैंने आपको बता चुका था, ये डोलीपोर सेप्टा है, ये पूरा मेरा कर्सर चल रहा है, देखिए ये पूरा डोलीपोर सेप्टा है और ये दो हाइफी को ये कनेक्ट कर रहा है। देखिए, एक हाइफी ये रही फंजाई की, एक ये रही फंजाई की हाइफी, और दो हाइफी के बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये दोनों हाइफी को कनेक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं हम डोलीपोर सेप्टा। ठीक है, यहाँ पर हमने बात को पूरा क्लियर किया था। अब हम इसके आगे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, देखिए क्या लिखा है, इन रेगुलरली फंगाई एट द टिप ऑफ हाइफी ए स्मॉल डेंसली स्टेन्ड बॉडी इज प्रेजेंट कॉल स्पिट्ज़ेन कॉर्पस। देखिए, स्पिट्ज़ेन कॉर्पस का मतलब होता है, जो मेरी बात को ध्यान से सुनना, देखिए एग्जाम के ये सब MCQs हैं, जो फंजाई रेगुलर सेप्टेड होती है और जिस फंजाई में हमें रेगुलर सेप्टा देखने के लिए मिलते हैं, उन फंजाई में हाइफी के सिरे पर एक छोटी सी डार्क स्टेनिंग बॉडी होती है और उस बॉडी को हम बोलते हैं स्पिट्ज़ेन कॉर्पस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, इन लोअर फंगाई माइसिलियम इज नॉन सेप्टेड वाइल इन हायर फंगाई इट इज सेप्टेड। देखिए, जो लोअर फंगाई होती हैं ठीक है, वो नॉन सेप्टेड होती हैं और जो हायर फंजाई होती हैं वो कैसी होती हैं, वो सेप्टेड होती हैं, ये आपको समझाने की इसमें कोशिश की जा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसमें नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बता देता हूँ, लिखा हुआ है व्हेन द एंटायर थैलस इज कन्वर्ट इनटू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होलोकार्पिक फंजाई। ये क्या कह रहा है आपसे, जब फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गन को डेवलप करती है, जब फंगाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गन्स सेक्स ऑर्गन को डेवलप करती है
ठीक है, यदि फंगाई का थैलस, मैं आपको थैलस बता चुका हूँ, यदि फंगाई का थैलस पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं होलोकार्पिक फंजाई। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, यूकार्पिक फंजाई। एग्जाम्पल है इसका म्यूकर एंड राइजोपस, ठीक है, यूकार्पिक फंजाई। ठीक है, अब देखिए यूकार्पिक फंजाई क्या होती है, मैं आपको इसमें थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ यूकार्पिक फंजाई के बारे में। कई फंजाई ऐसी होती हैं जब रिप्रोडक्टिव पार्ट को बनाना होता है तो थैलस का एक छोटा सा भाग केवल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कन्वर्ट होता है, बाकी का पार्ट नॉर्मल रहता है, तो उसको हम बोलते हैं यूकार्पिक फंजाई। यानी कि कहने का मतलब ये है, जब फंजाई का पूरा जब थैलस वाला पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट में कन्वर्ट हो जाए उसको हम होलोकार्पिक फंजाई बोलते हैं, और जब फंजाई का जब थैलस का भाग जब थोड़ा सा एक भाग केवल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कन्वर्ट हो बाकी का भाग नॉर्मल रहे तो उसको हम बोलते हैं यूकार्पिक फंजाई। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यूकार्पिक फंजाई मे बी मोनोसेंट्रिक हैविंग वन स्पोरेंजिया और पॉलोसेंट्रिक हैविंग मैनी स्पोरेंजिया। ये कह रहा है देखिए जो यूकार्पिक फंजाई है, ठीक है, उसमें एक स्पोर भी हो सकता है, एक स्पोर होगा तो हम मोनोसेंट्रिक फंजाई कहेंगे और एक से अधिक स्पोर होंगे तो हम पोलोसेंट्रिक फंजाई कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जनरली होलोकार्पिक फंजाई आर यूनिसेल। जनरली जो होलोकार्पिक फंजाई होती है वो कैसी होती है स्टूडेंट्स, यूनिसेल्ड होती है, और इसके एग्जाम्पल है एक आपका यीस्ट लिखा हुआ है, दूसरा आपका सिनकाइटम लिखा हुआ है, SYNCHYTRIUM सिनकाइटम। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका, थोड़ा सा मैं ऊपर ले रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है फंगल फ्लैजिला सोस 9+2 अरेंजमेंट। देखिए हम जानते हैं फंगाई एक यूकेरेटिक होती है, ठीक है, तो फंजाई के जो फ्लैजिला हैं वो 9+2 अरेंजमेंट को शो करते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। फ्लैजिला, अब क्या लिखा हुआ है, देखिए फ्लैजिला आर ऑर्गन ऑफ मोटाइल, जो फ्लैजिला है वो एक मोटाइल ऑर्गन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए फ्लैजिला आइदर विपलेस और स्मूथ वॉल्ड और टिनसेल हैविंग हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड मेस्टगोनियम और फिमर्स। अब ये क्या कह रहा है, देखिए ये इस बात को समझने की थोड़ी कोशिश करना, जो विपलेस फ्लैजिला में कोई भी उभार नहीं होते हैं, जो विपलेस फ्लैजिला है उसमें कोई भी उभार नहीं होते हैं, ऐसे फ्लैजिला जो स्मूथ वॉल्ड होते हैं उन्हें हम विपलेस फ्लैजिला कहते हैं, और टिनसेल फ्लैजिला का मींस ऐसे फ्लैजिला जिनकी सरफेस पर हमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन देखने मिलते हैं। टिनसेल फ्लैजिला का मींस होता है ऐसे फ्लैजिला जिनकी सरफेस पर हमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन देखने मिलते हैं, उनको हम टिनसेल फ्लैजिला कहते हैं, जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उन्हें हम मेस्टगोनियम या फ्लिमर्स भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, याद रखिए मेरे पॉइंटों को। चलिए मैं थोड़ा सा और ऊपर लेता हूँ, मैंने हल्का सा ऊपर लिया। देखिए लिखा हुआ है इन सम फंगाई द वेजिटेटिव फेस इज ए फ्री लिविंग मल्टी न्यूक्लिएटेड अमीबॉइड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म विद आउटर वॉल, सच ए स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए प्लाज्मोडियम। एग्जाम्पल है इसका स्लाइम मोल्ड। अब देखिए ये क्या कह रहा है, जब फंगाई की ऐसी बॉडी ठीक है जिसमें वेजिटेटिव फेस होती है, जिनमें बॉडी होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड अमीबॉइड मास के रूप में होती है, ठीक है, उसमें कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, प्लास्मोडियम कहते हैं, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है सबसे अच्छा मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो है स्लाइम मोल्ड। ओके स्टूडेंट्स, याद रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, सम फंगाई आर डाइमॉर्फिक। कुछ फंगाई डाइमॉर्फिक होती हैं, एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, यूनिसेल्ड एट वन स्टेज एंड
माइसीलियल एट द अदर एग्जाम्पल, इसके ये सब लिखे हुए हैं, अभी बताता हूँ मैं क्या होता है इसका मतलब। देखिए जैसा कि इसमें कुछ फंगाई लिखा हुआ है, डाई मॉर्फिक होती हैं। डाई मॉर्फिक का देखिए बेटा मींस होता है जब फंगाई यूनिसेल्ड स्टेज में होगी। डाई मॉर्फिक का मींस होता है जब फंगाई यूनिसेल्ड स्टेज में होगी तो वो हमें अलग अलग दिखाई पड़ेगी, और दूसरी अवस्था में हमें माइसिलियम फॉर्म में दिखाई पड़ेगी, ठीक है। और ये अपने जीवन काल में एक समय में यूनिसेल्ड बनकर रहेगी और दूसरे समय काल में अपने माइसिलियम बनकर रहेगी। इसके जो सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं वो हैं म्यूकर रोक्साई, सामने लिखा हुआ है म्यूकर रोक्साई, उसके बाद लिखा हुआ है टेफ्रीना स्मर्ट, उसके बाद लिखा हुआ है ब्लास्टोमाइसिस, उसके बाद लिखा हुआ है डर्मिटाइसिस, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल लिखे हुए हैं सामने स्क्रीन पे, ठीक है, देख लीजिए एक बार। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये हमारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ अब फंगल टिश्यू के बारे में, कि फंगल टिश्यू क्या होता है। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको फंगल टिश्यू, ठीक है, मेरा कर्सर भी चल रहा है, फंगल टिश्यू लिखा हुआ है। अब देखिए, इन हायर फॉर्म्स ए फंगाई द माइसीलियम गेट्स ऑर्गेनाइज इंटू लूजली और कॉम्पैक्टली वोव्स स्ट्रक्चर विच लुक्स लाइक ए टिश्यू। दिस फंगल टिश्यू आर नोन एज प्लेक्टन काइमा। ये कह रहा है देखिए, हम जानते हैं बेटा कि फंगाई यूकेरियोटिक है, फंगाई मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म होती है। जो फंगाई के हायर फॉर्म्स होते हैं बेटा, जो फंगाई के हायर फॉर्म्स होते हैं उसमें माइसिलियम अपने आप को कई बार इस प्रकार से अरेंज करते हैं माइसिलियम, कि वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं कि वो हमें टिश्यू के समान दिखाई देता है, ठीक है। और ऐसे टिश्यू को हम प्लेक्टन काइमा टिश्यू कहते हैं, ठीक है बेटा, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्लेक्टन काइमा इज ऑफ टू टाइप। जो प्लेक्टन काइमा होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, पहला प्रोजन काइमा, दूसरा आपका लिखा हुआ है सूडन पेरन काइमा। जो प्रोजन काइमा होता है बेटा, वो प्रोजन काइमा, देखिए प्रोजन काइमा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जो माइसिलियम के अंदर हाइफी होंगे वो लूजली होंगे, ढीले प्रकार से जुड़े होंगे, आपस में पैरेलली हाइफी होंगे, समानता हाइफी जुड़ी होगी, इनको हम प्रोजन काइमा कहेंगे। अब सूडन पेरन काइमा क्या होता है, देखिए सूडन पेरन काइमा, इसमें हाइफी मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ी होगी। सूडन पेरन काइमा में जो हाइफी है वो मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होगी, और क्रॉस सेक्शन में जो हमें पेरन काइमा टिश्यू के समान दिखाई पड़ेगी, उसको हम सूडन पेरन काइमा कहते हैं। वेरी वेरी आईएमपी स्टूडेंट्स, याद रखिए इस बात को मेरी। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे, डिफरेंट टाइप ऑफ फंगल टिश्यूज को हम देख लेते हैं। जैसा कि आपके आगे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ये पेरन काइमा टिश्यूज, आपको ये लिखा हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ फंगल टिश्यूज, ठीक है। तो इसमें पहला आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहला मेरा देखिए कर्सर चल रहा है, ये पेरन काइमा टिश्यूज दिखाई दे रहा है, दूसरा दिखाई दे रहा है सूडो पेरन काइमा, ठीक है, थर्ड आपको दिखाई दे रहा है स्कॉलरिटियम, ठीक है, फोर्थ आपको दिखाई दे रहा है राइजोमॉर्फ, ठीक है बेटा, ये आपको सभी डिफरेंट टाइप ऑफ फंगल टिश्यूज दिखाई दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा स्टूडेंट्स आगे पहुंच गया है, मैं इसको नीचे लेने की मैं कोशिश करता हूँ, एक मिनट रुक जाइए, बने रहिए आप मेरे संग, ये आ गया। देखिए अब हम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर को देखेंगे, लिखा हुआ है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, अब हम इसको देखेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है राइजोमॉर्फ। राइजोमॉर्फ क्या होता है, थिक स्ट्रैंड ऑफ सोमेटिक हाइफी इन विच मैनी हाइफी एग्रेड्स सो मच डेट दे लूज देयर इंडिविजुअलिटी बिहेविंग एज ए ऑर्गेनाइज यूनिट रिजेंबल्स विद द रूट अपेक्स ऑफ हायर प्लांट ग्रो एपिकली, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, बात को समझिए, राइजोमॉर्फ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है राइजोमॉर्फ का, जो सोमेटिक हाइफी होती हैं बेटा, जो सोमेटिक हाइफी होती हैं ठीक है वो हाइफी अपने आप को इस प्रकार से अरेंज करती हैं कि वो हाइफी प्लांट के रूट के समान दिखाई पड़ती हैं। मींस हाइफी मतलब है बेटा इसका, हाइफी अपने आप को ऐसे अरेंज करेगी,
हाइफी अपने आप को ऐसे अरेंज करेगी जैसे कि प्लांट की रूट होती है, ठीक है, तो वो हमें रूट के समान दिखाई पड़ेगी, ठीक है, इसकी आकृति रूट की आकृति के समान हमें दिखाई पड़ेगी, इसलिए इसको हम राइजोमॉर्फ कहते हैं। ये एपिकली ग्रोथ को शो करती है, मींस इनका सिरा बढ़ता है, जो सिरा होता है वो बढ़ता है, और हाइफी का जो सिरा होता है वो बढ़ता है, ठीक है। अब देखिए स्केलरोटिया क्या होता है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। हाइफी एग्रेट्स टू फॉर्म हार्ड कॉम्पैक्ट सूडो पेरेन्काइमेटस रेस्टिंग स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है। अब ये क्या कह रहा है देखिए, स्केलरोसिया में क्या होता है बेटा, ये स्केलरोसिया रेस्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं, स्केलरोसिया एक प्रकार के रेस्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ये फंगाई के थैलस पर पाए जाने वाले रेस्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं। मींस जो कोई एक्टिविटी शो नहीं करते हैं और वो डोरमेंट रहते हैं, ठीक है, सुस्त अवस्था में रहते हैं, जब फंगाई का एडवर्स समय आता है तो ये अनफेवरेबल कंडीशन का सामना इन्हें करना पड़ता है, और स्केलरोसिया फंजाई को बेटा प्रोटेक्ट रखते हैं, ठीक है, और बाद में फेवरेबल कंडीशन में इससे नई फंजाई बन जाती है, यानी कि जो स्केलरोसिया है वो एडवर्स कंडीशन में, ठीक है, हाइफी को बेटा सुरक्षित रखते हैं फंजाई को, ठीक है, और बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो क्या करते हैं, उसी फेवरेबल कंडीशन से बेटा नई फंजाई बन जाती है इन स्केलरोसिया से, ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है ये देखिए, ये नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एलएसडी डी लाइसर्जेनिक एसिड, एलएसडी डी लाइसर्जेनिक एसिड डाई मिथाइलेट, ठीक है। अब देखिए एलएसडी इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट मूड चेंजिंग केमिकल्स, इट वाज डिस्कवर्ड इन 1938 एंड इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम लाइसर्जेनिक एसिड व्हिच इज फाउंड इन एग्रोट, ए फंगस that grow on rye and other grains। अब देखिए क्या कह रहा है ये, थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान करना, याद रखना एक नशीली दवा होती है, ठीक है, एक ड्रग होती है LSD नाम से, ठीक है, लाइसर्जेनिक एसिड डाइल एथाइल, ठीक है, एमाइड, ठीक है, इसका यूज़ ड्रग के रूप में किया जाता है, और ये क्लेरिपसस नाम के फंजाई से मिलती है, और ये हमें किस फंजाई से मिलती है, क्लेरिपसस नाम के फंजाई से हमें ये मिलती है, और ये बेटा क्लेरिपसस फंजाई जो होती है उस फंजाई में से स्केलरोसिया जो होते हैं उसके अंदर ये केमिकल इकट्ठा होता है, और स्केलरोसिया से ड्रग को आइसोलेट किया जाता है, अलग किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ इस बात को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। देखिए ये लिखा हुआ है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ थैलस, अब हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा सा थैलस का। तो देखिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर में पहला लिखा हुआ है इसकी जो सेल वॉल है, ठीक है, काइटिन से बनी होती है, और यूकेरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, और सीनोसिटिक कंडीशन होती है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ थैलस को हम बात कर रहे हैं ये, और लैक प्लास्टर्ड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यानी कि प्लास्टर्ड और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम आर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, क्रोमोसोम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ये नहीं होता, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता, ये थोड़ा सा गलत मेरे से टाइप हो गया। और क्या होता है, इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस होता है, कैरियो कोरियोसिस होता है इसके अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इन पॉइंटों को आप थोड़ा सा याद रखना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम थोड़ा सा हम अब डिस्कस कर लेते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है देखते हैं, ये आपका मुझे ऐसा लगता है शायद NCERT आ रही है। चलिए अब NCERT को हम देख लेते हैं, NCERT क्या गाना गा रही है किंगडम फंगाई के बारे में, कहीं हम बाहर तो नहीं थे,
ठीक है, देखिए द फंगाई कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिक यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हम देख चुके हैं ये बात भी कि फंगाई हमें कहाँ कहाँ मिलती है, हम देख चुके हैं, और फंगाई एक अलग किंगडम होता है ये भी बता चुका हूँ, इसलिए हम फंगाई के लिए हम वेजिटेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करते, ये सब हम देख चुके हैं। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होता है फंगाई, ये भी देख चुके हैं। दे शो ए ग्रेटर डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। हम फंगाई का हम हैबिटेट भी देख चुके हैं, फंगाई ग्रेटर डाइवर्सिटी को शो करती है, ये भी हम देख चुके हैं, है ना। यू मस्ट हैव सीन फंगाई ऑन ए मोस्ट ब्रेड एंड रोटर फ्रूट्स। हम ये भी देख चुके हैं फंगाई, भाई देखिए ब्रेड ब्रेड में भी ग्रो करती है, रोटर्स फ्रूट जो सड़े हुए फ्रूट होते हैं उनमें भी ग्रो करती है, और कहाँ कहाँ ग्रो करती है हम ये भी देख चुके हैं। देखिए मैंने आपको बताया था जली हुई लकड़ी, नेल्स, हेयर, इन सब पे बताया था, ये भी पॉइंट हम देख चुके हैं, बिल्कुल डिटेल में देखा हुआ है, ठीक है। द कॉमन मशरूम यू ईट इन टोरसूल आर आल्सो फंगाई, वाइल स्पोर्ट्स सीन ऑन मस्टर्ड लेवल आर ड्यू टू ए पैरासाइट फंगाई। हम ये भी देख चुके हैं कि फंगाई पैरासाइट होती है, ये भी देख चुके हैं, सेप्रोफाइट होती है, ये भी देख चुके हैं, सम यूनिसेलुलर फंगाई, कुछ यूनिसेलुलर फंगाई होती हैं, ये भी देख चुके हैं, यीस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। हम ये भी देख चुके हैं यूनिसेलुलर फंगाई होती हैं, यीस्ट के बारे में भी देखा है, और यीस्ट का यूज़ हम ब्रेड और बियर बनाने में भी करते हैं, ये भी देख चुके हैं। अदर फंगाई कॉजेज डिसीज इन प्लांट, हम ये भी देख चुके हैं कि फंगाई किन किन फंगाई कौन कौन सी बीमारी करती है प्लांटों में, और हम वीट रस्ट की बात बारे में बात कर चुके हैं, पक्सीनिया के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, पक्सीनिया कौन सी बीमारी करता है, रस्ट की प्रॉब्लम करता है गेहूँ की फसल में, ये भी देख चुके हैं हम स्टूडेंट्स, है ना। सम आर द सोर्सेस ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, कुछ फंगाई से हम एंटीबायोटिक भी प्राप्त करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, ये भी हम देख चुके हैं। फंगाई और कॉस्मोपोलाइट आर एयर इन वाटर, एयर वाटर सॉइल और एनिमल ऑन प्लांट। हम ये भी देख चुके हैं फंगाई कहाँ कहाँ मिलती है और कहाँ कहाँ फंगाई ग्रो करती है। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। देखिए फंगाई क्या है, गर्म, थोड़ी सी गर्म जगह पर रहना पसंद करती है, जहाँ थोड़ी गर्म जगह होगी वहाँ पर फंगाई जल्दी ग्रो करती है, इसलिए हम फूड को हम फ्रिज में रखते हैं बिल्कुल जीरो टेम्परेचर पर, ताकि फूड में हमारे फूड में थोड़ी गर्माई ना आए, फूड ठंडा बना रहे और उसमें फंगाई ना लगे स्टूडेंट्स, ओके। तो देखिए पॉइंट लिखा हुआ है, वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर, है ना, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। अभी बताया है फूड को हम फ्रिज में इसलिए रखते हैं ताकि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना लगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच आर यूनिसेल्ड फंगाई एंड फिलामेंटस, ये भी देख चुके हैं, ठीक है, यूनिसेल्ड फंगाई को देख चुके हैं और फिलामेंटस फंगाई को भी हम देख चुके हैं, हमने एक डेफिनेशन देखी थी उसमें इन चीज़ों को हमने कवर किया था, ठीक है। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड हाइफी, मैंने हाइफी आपको सेप्टेट भी बताया है और एसेप्टेट भी बताया है, सीनोसिटिक कंडीशन भी बताई है मैंने, और सिलेंडर लाइक और सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो भी बताया है, माइसिलियम कैसे बनता है ये भी बताया है, द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एट माइसिलियम, माइसिलियम क्या होता है ये भी बताया है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। सम हाइफी आर कॉन्स्टिट्यूट ट्यूब लाइक फिलामेंट विद मल्टी न्यूक्लेटेड कंडीशन साइटोप्लाम्स, दीज आर कॉल्ड सीनोसिटिक कंडीशन भी बताई है, जो आपके एसेप्टेड होता है जिसमें सेप्टा नहीं होता उसमें कई सारे, जिसमें सेप्टा नहीं होता हाइफी में उसमें कई सारे आपके न्यूक्लियस एक संग रहते हैं, उसको हम सीनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं, सीनोसिटिक कंडीशन को ही हम मल्टी न्यूक्लेटेड कंडीशन बोलते हैं। अदर हैव सेप्टेड और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफी, यानी कि ये सेप्टा की बात कर रहा है, बात कर चुके हम इसके बारे में। दी सेल वॉल ऑफ फंगाई और कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड, हम फंगाई की हम सेल वॉल भी देख चुके हैं, जनरल कैरेक्टर्स हमने देखे थे ना। मोस्ट फंगाई आर हेटरोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्यूशन ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सट्रेट एंड हैंस आर कॉल्ड सेप्रोफाइट, ये भी हम देख चुके हैं। दोज डेट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट, ये भी देख चुके हैं कि फंगाई प्लांट और एनिमल पर भी ग्रो करती है, ठीक है ना।
दे कैन आल्सो लिव ए सिम्बायंट इन एसोसिएशन विद एल्गी इज लाइकेंड विद रूट ऑफ हायर प्लांट्स और माइक्रोराइजम. ये भी देख चुके हैं, फंगाई सिम्बायंट रहती है आपके आपके यानी कि सहजीवता बनाकर रहती है दूसरे दूसरे प्लांटों के संग सहजीवता बनाकर रहती है. ठीक है, इन पॉइंटों की हम देख चुके हैं. तो स्टूडेंट्स सभी पॉइंट हम देख चुके हैं, हम एनसीईआरटी से बाहर नहीं थे. ठीक है, तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए. थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय.